नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पीसेस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है जियोग्राफी घटना चक्र की, तो उसका ये अगला पार्ट है। और इसमें भी हम, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है, कि 3 पेज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे, तो वही आगे इसमें 3 पेज देखेंगे। और दोस्तों, अगर जिन लोगों ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही जो बेल आइकन है, वो जरूर टच टैप प्रेस क्लिक जरूर से जरूर करें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है आप लोग को, तो भाई शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि भाई शेयर करेंगे तो आपके द्वारा किसी और को भी हेल्प मिल सकती है। और तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज के मतलब भाग का है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो इसका आंसर है गेहूं की। अगला, यूपी 308 एक प्रजाति है, आंसर है इसका गेहूं की। अगला है, गेहूं की फसल का रोग है, आंसर है रस्ट। अगला है, कल्याण सेना सोना एक किस्म है, आंसर है गेहूं की। अगला है, गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं, तो इसका आंसर है अर्जुन और सोनालिका। तो अगला है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, तो इसका आंसर है यूपी AS 120। अगला है, सही कथन क्या है देखते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। अगला है, ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संकर क्रॉस है वह है, तो आंसर है इसका गेहूं एवं राई। अगला है, करनाल बंट एक बीमारी है, इसका आंसर है गेहूं की। अगले जो हमारे प्रश्न होंगे खरीफ की फसलों से होंगे, तो देखते हैं, धान की उत्पत्ति हुई, तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला है, खरीफ की फसलें हैं, तो आंसर है इसका कपास मूंगफली धान आदि। अगला है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। अगला है, मसूर अलसी सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है, तो इसका आंसर है सोयाबीन। अगला है, भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, इसका आंसर है चावल। अगला, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, तो इसका आंसर है चावल। अगला, भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर है धान। अगला, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014-15 में था, तो इसका आंसर है 2390 किलोग्राम। अगला देखते हैं, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है, तो इसका आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला है, धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है पंजाब राज्य में। अगला है, जय पद्मा और कृष्णा उन्नत किस्में हैं, किसकी, आंसर है इसका धान की, ये किस्में हैं। अगला है, अमन धान उगाया जाता है, तो इसका आंसर है जून जुलाई बुआई, नवंबर दिसंबर कटाई में। अगला, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो इसका आंसर है धान की। अगला है, बारानी दीप है, तो आंसर है ये धान की एक किस्म है, धान की एक वैरायटी है। अगला है, बासमती चावल की संकर प्रजाति है, तो आंसर है इसका पूसा RH 10। अगला, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो इसका आंसर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आते हैं अगले प्रश्न पे, इसे ये कथन करण वाला है, तो कथन देखते हैं। ये हमारा पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, जो कारण दिया हुआ है देखते हैं, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका आंसर क्या है। आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है। हमारा कथन जो है वो सही है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो गलत है। अगला है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता कर सकता है, तो इसका आंसर है नील हरित शैवाल। अगला, जो कथन और कारण वाला ही है, तो कथन ए है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है,
जो कारण दिया हुआ है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर है ए, इसमें सही है परंतु आर गलत है। जो कथन है हमारा वो सही है लेकिन कारण जो दिया हुआ है वो गलत है। अगला है, विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही वह है। तो इसका आंसर है चावल। अगला है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन चार राज्यों से प्राप्त होता है तो वे हैं। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, आंसर इसका 100 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला है, वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती से के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है, वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो इसका आंसर है मूंग एवं उड़द। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये भाई प्रश्न हमारे होंगे नकदी फसलें, जिसमें पहली हेडिंग है इसमें कपास, तो कपास से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। देखते हैं, भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर है गुजरात। अगला है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका आंसर है उज्जैन, शाजापुर। अगला है, महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर है कपास। अगला देखते हैं सत्यकथन के बारे में। तो देखते हैं भाई सत्यकथन क्या है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। अगला है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो आंसर है बीज से। अगला है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। आते हैं अगले पेज पर। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है हमारा नकदी फसलों का, गन्ना, तो उससे रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो इसका आंसर है गन्ना। अगला है, भारत में तीन गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है, तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आ गया भाई सत्यकथन के बारे में। देखते हैं क्या है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है, तो चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये सही है भाई। अगला, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है महत्व है, तो आंसर देखते हैं, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, इसमें च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। अगला है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। अगला है, देखते हैं भाई ये भी चीनी उद्योग से संबंधित सही कथन के बारे में है, तो देखते हैं सही कथन क्या है। तो जो सही कथन देखते हैं, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कृषि आधारित देश है, उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है, 1903 में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, तो कहाँ की गई भाई, इसका आंसर है प्रतापपुर देवरिया में। अगला है, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग
कि स्थानिक स्थानांतरण का कारण है, तो इसका आंसर है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम। अगला है गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, तो इसका आंसर है कोयम्बटूर में। अगला है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो इसका आंसर है SBI कोयम्बटूर में। अगला है गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है, तो इसका आंसर है 18 माह। आते हैं अगले प्रश्न पे, ये प्रश्न हमारे तिलहन से होंगे, तो देखते हैं तिलहनी फसल है, तो इसका आंसर है सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि। अगला है पीली यानी पीत क्रांति संबंधित है, तो इसका आंसर है तिलहन उत्पादन से। अगला है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, तो इसका आंसर है मूंगफली। अगला है पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है मूंगफली में। अगला है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है, तो इसका आंसर है पंजाब। अगला है राजस्थान प्रमुख उत्पादक है, आंसर है सरसों का। भाई चित्र देखिए, और चित्र में जो ABCD दिया हुआ है, तो भाई अंकित स्थल जो है क्रमशः प्रसिद्ध है, तो आप देखिएगा, और सॉफ्ट कॉपी जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना चित्र तो आपके पास होंगे ही होंगे। तो ABCD में कौन से हैं, ए पर मूंगफली और बी गन्ना, सी रागी तथा डी तंबाकू के लिए। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल है, तो इसका आंसर है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। अगला है सरसों की प्रजातियां हैं, तो इसका आंसर है वरुणा, पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी आदि। अगला है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो इसका आंसर है मूंगफली की फसल में। अगला प्रश्न कौशल उन्नत प्रजाति है, तो आंसर है मूंगफली की। अगले प्रश्न जो हमारे दलहन से होंगे, तो देखते हैं वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, तो इसका आंसर है भारत का। अगला है भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है दालों का। अगला कथन ए जो हमारा दिया हुआ है, भारत में दालों की कमी परंतु प्रोटीन की नहीं, जो कारण है दालों की मांग की वरीयता है, तो इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है, जो कारण दिया हुआ है वो ए की सही व्याख्या करता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, तो इसका आंसर है दालों में। अगला है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है, तो इसका आंसर है कोबाल्ट। अगला है वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है, तो इसका आंसर है चना, मटर एवं मूंग। अगला है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है, NPK है अनुपात जो है, तो 1:2:2। अगला है अरहर का जन्म स्थान है, तो इसका आंसर है भारतवर्ष। अगला है मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, इसका आंसर है अरहर की। अगला है बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, इसका आंसर है अरहर की। अगला मटर की पत्ती विहीन जाति है, तो इसका आंसर है अपर्णा। अगले प्रश्न जो होंगे रेशम से होंगे, देखते हैं भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला है भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। अगला है जो सही सुमेलन वाला है, तो एक तरफ प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उत्पादन दिया हुआ है, तो सहतूत रेशम कर्नाटक, टसर रेशम झारखंड, ईरी रेशम असम, मूंगा रेशम असम। अगला प्रश्न मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो इसका आंसर है असम में। अगला है टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो झारखंड। अगले प्रश्न जो होंगे हम बागानी फसलों से होंगे, तो इसमें कि पहला काफ़ी कहवा है, तो भारत राष्ट्रीय बागवानी
परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। अगला, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती हैं, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों के में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में जो सत्य कथन है देखते हैं क्या है। कॉफ़ी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है, तो इसका आंसर है कर्नाटक में। अगला है, भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर है कर्नाटक में। अगला है, अगले प्रश्न जो होंगे वह चाय और रबर से होंगे, तो देखते हैं। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोग में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय कौन सा स्थान है, तो भारत का द्वितीय स्थान है। अगला है, भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर है चाय। अगला है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर है असम। अगला है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो आंसर है चाय का। अगला प्रश्न जो हमारा कथानुकरण जैसा ही है वही है, तो ये हमारा कथन जो है, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, और जो कारण है आर, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो आंसर देखते हैं, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, यानी जो कथन दिया हुआ है वो सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, तो खेती अभीष्ट होगी, तो आंसर इसका चाय की। अगला है, ग्रीन गोल्ड किस्म है, इसका आंसर है चाय की। अगला है, बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो आंसर है धान। अगला है, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर है केरल। अगले प्रश्न जो होंगे हमारे अन्य बागानी फसलों से होंगे, तो देखते हैं। भारत का वह राज्य जहां कहवा रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य सस्य हैं, तो इसका आंसर है चाय, रबर, नारियल और कहवा। अगला देखते हैं जो सही कथन है, तो चाय असम की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला है, काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में होता है, तो इसका आंसर है वियतनाम और भारत में। अगला है, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं, तो इसका आंसर है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। अगला है, केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है, तो आंसर इसका गर्म मसालों के संवर्धन के लिए। अगला है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, तो इसका आंसर है केरल। अगला प्रश्न, लौंग प्राप्त होता है, तो आंसर है पुष्प कली से। अगला है, लौंग की खेती मुख्यतः होती है, तो आंसर है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, आज का ये भाग समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही अपने सुझाव शिकायत जो भी कुछ है आपके मन में वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।